तो हम आ चुके हैं लेक्सिका डॉट आर्ट पर। इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस एआई ने इतने सारे आर्ट्स बनाए हुए हैं, लोग यहाँ पे बनाए हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कुछ ये यूज कर रहा है स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 के, और इससे हमें इमेज कैसे बनवानी है, यहाँ पे जनरेट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे जैसा कि मिड जर्नी में आप लिखते थे वहाँ पर भी ऐसा ही लिखना है, और यहाँ पे आप जो लिखेंगे वैसी इमेज आपके बन जाएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप जो इमेज बनवा रहे हैं उसमें से आपको रेड कलर नहीं चाहिए, या तो मान लीजिए आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रिमूव ब्लैक कलर, तो वो ब्लैक कलर नहीं लेगा उसमें। या तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप कोई किचन का बनवा रहे हैं, तो आप चाहते हैं किचन में बाल्टी ना हो या कुछ भी, चाहते हैं आप गैस सिलेंडर ना हो, तो आप यहाँ पे सिलेंडर लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक इमेज बना के दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है लॉन किंग ड्रिंक कॉफ़ी इन गोल्ड पर्पल कप इन बालकनी ऑफ अर्बन सिटी 8K। तो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो देखते हैं हमारे ये कैसे इमेज जनरेट करके देता है। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस हो रहा है एंड दैट्स इट, बनना शुरू हो चुका है। तो ये हमारी कुछ इमेज, ये देखिए काफ़ी मैच कर जाती है मिड जर्नी से। तो यहाँ पे था आपने स्टेबल डिफ्यूजन का यूज करके आपने इमेज जनरेट की, लेकिन आप इमेज से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे अपलोड इमेज दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अपनी इमेज ये रही, इसको अपलोड करेंगे, डन किया और ये अपलोड हो रहा है, अभी अपलोड हो जाएगा, ये रहा अपलोड हो चुका है। तो हम इस इमेज को अवतार बनाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख चुके हैं, साइबर पंक फ्यूचरिस्टिक गेमिंग पोर्ट्रेट रियलिस्टिक। तो ठीक है, हम इसे जनरेट करेंगे, तो देखते हैं ये हमें कैसे इमेज निकाल के देता है। ओके, और ये रही ओ फिट, थोड़ी सी इसने गड़बड़ कर दी यार, यहाँ पे मेल था पर इसने फीमेल कर दिया। तो एक बार हम फिर यहाँ से यहाँ पे मेल लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे मेल लिख दिया, और हम फिर से इसे रीजनरेट करेंगे, देखते हैं हमें कैसा इमेज लगा के देता है। पहले तो इसने हमने लड़की वाला इमेज बना के दे दिया, फिर हम देखते हैं कैसा देता है, और ये रहा। तो ये इमेज और ये, तो ये भी स्टेबल डिफ्यूजन अच्छा इमेज निकाल के दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो खैर, अब इसे हम कंपेयर करेंगे मिड जर्नी से। तो हम कंपेयर करने के लिए मिड जर्नी में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना मिड जर्नी बॉट ओपन कर लिया है डिस्कॉर्ड पे, तो हम इस कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में कौन सा बेटर निकाल के दे रहा है हमें इमेजेस। तो हम इसे पहले रिफ्रेश करते हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे डालेंगे, तो दोनों में ही हमने देखिए यूज किया है, एक ही टेक्स्ट को हमने यूज किया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी है ह्यूमन हैव रैबिट फेस कॉम्बिनेशन वियर ब्लेजर एंड रीडिंग। तो दोनों में हमने एक ही कमांड दिया है, हम यहाँ पे इसको जनरेट करेंगे और यहाँ मिड जर्नी में भी इसको सेट करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बेटर कौन निकाल के देता है हमें इमेज। तो यहाँ पे लेक्सिका डॉट AI ने निकाल के हमें इमेज दे दी है, और यहाँ पे डिस्कॉर्ड भी हमें मिड जर्नी का भी इमेज दिख रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, देखते हैं, दोनों ही AI बहुत ही कमाल के इमेजेस निकाल के दी हुई हैं, और ये हमारा मिड जर्नी, यहाँ पे भी मिड जर्नी भी थोड़ी कमाल के इमेज निकाल के दिया, और ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल बना के दे दिया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है मिड जर्नी वाला, दोनों ही कमाल के। लेकिन अब हम इमेज का यूज करेंगे कि क्या ये हमारे फ़ोटो को बढ़िया बना के दे पा रहा है। तो ठीक है, हम अपनी इमेजेस अपलोड करना शुरू करते हैं। तो मैं पहले मिड जर्नी में एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, और इधर मैं लेक्सिका आर्ट पे भी इमेज अपलोड करता हूँ, और हम दोनों में ही एक ही कमांड प्रॉम्प्ट देंगे, और देखें कौन सबसे ज़्यादा इमेज को बेटर निकाल के देता है। तो हमारा यहाँ इमेज पे अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे भी अपलोड हो चुकी है, और ये हमारा सबसे फास्ट निकाल के ये दे रहा है हमारी इमेज। दोनों ही कमाल की इमेजेस निकाल के दी हुई हैं, लेकिन एक फ़र्क पड़ जाता है दोनों में, कहीं जो चेहरा है ना वो सेम टू सेम नहीं आता है, और यहाँ पर भी यही हुआ है, चेहरा सेम टू सेम नहीं आया, लेकिन मिड जर्नी थोड़ा सा अच्छा इमेजेस निकाल के दी हुई है, लेकिन ये वाली इमेजेस काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी भी इसकी इमेज की बहुत बढ़िया है। दोनों ही इमेजेस कमाल की हैं, लेकिन जो मिड जर्नी है वो हमारे जिस चेहरे है ना उसको अलग कर दिया है, लेकिन इस लेक्सिका वाले में इसने चेहरे को बहुत ही
मैच किया है और ये ज़्यादा बेटर निकाल के दिया है। भले ही इसकी जो AI डिज़ाइन है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब रियल लग रही है, लेकिन ये वाली जो डिज़ाइन है ना, वो चेहरे की प्लस जो बैकग्राउंड होगा सब कुछ मैच किया ना, एकदम ज़बरदस्त है। अगर मैं दोनों में चूज करना हो तो मैं लेक्सिका वाले को चूज करूँ, क्योंकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक निकाल के देता है, और मिडजर्नी में तो चेहरा ही बदल देता है। कभी मैंने तो बहुत ट्राई किया लेकिन मेरा चेहरा सेम टू सेम नहीं आ पाया यहाँ पे। तो ये मैंने गूगल से इस्तेमाल किया ये इमेज, मैंने खुद का चेहरा नहीं है मेरा। तो खैर ये लड़की की इमेज बना दिया यहाँ पे। हाँ लेकिन ये गड़बड़ ये भी होता है ना कि यहाँ पे ये जो लेक्सिका है वो लड़की की भी इमेज देता है और लड़कों की भी इमेज दे देता है। अब यहाँ पे ये लड़की है, ये भी लड़की है, लेकिन हम इस लड़के वाली इमेज को रीजनरेट करेंगे। तो ये हमारा रीजनरेट कर रहा है। ओके फाइन, फिर भी ये हमें उस तरह की इमेज नहीं निकाल के दे पा रहा है जैसी हमें चाहिए। आप जब होम पेज पे आएंगे लेक्सिका के, यहाँ पे आपको ढेर सारी इमेजेस दिख रही होंगी। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, मतलब जिस पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आपको जो प्रॉम्प्ट है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है इसको जब कॉपी करके मिडजर्नी में पेस्ट करेंगे ना, तो वो भी इमेजेस कुछ इसी तरह के निकाल के देगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। लेकिन इस इमेज को बनाने के लिए ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया गया है, एनिमे स्टाइल मॉडल ये कुछ। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, इनसे कॉपी आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगी। अब चाहे तो इनमें से प्रॉम्प्ट्स ये देखिए, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना, साइबर लॉग पायलट वायर कमांड, इसे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, हम इसे कॉपी प्रॉम्प्ट करेंगे, वापस आएंगे और हम फिर से अपनी इमेज जनरेट करेंगे। ये हमारी इमेज थी, तो हम यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम इसे पेस्ट कर दें यहाँ पे, फिर हम इसे रीजनरेट करेंगे। तो हमारा रीजनरेट हो रहा, तो देखते हैं ये हमारी इमेज को कैसा बना के देता है। हमने जो होम पेज से इसको एक स्टाइल से कॉपी किया है, पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो जा रही है। यहाँ पे ये फीमेल का बना के दे रहा है, मेल का बना के देना चाहिए इसको। पर खैर हो सकता है कुछ इमेज में गड़बड़ियाँ हो, आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।